ये साइक्लोन नीलोफर जो अभी इंफॉर्मेशन डिसास्टर की तरफ से आई है, और इसके बाद ये मीटिंग तो हम अभी आज कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी हमने पहले से ऑलरेडी जितने भी हमारे ऑफिसर्स कंसर्न हैं और अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, लैंड डिपार्टमेंट्स, सबके साथ मीटिंग वन टू वन कर ली है। खास करके जो हमारी बोट्स, चूंकि ये तालुक जो डिस्ट्रिक्ट है ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए जितनी भी बोट्स यहाँ पर फिशरमैन की बाहर गई हैं सी में, लगभग उनकी संख्या 650 के इर्द गिर्द है। सारी बोट्स के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो गया है, उनको हमने वापस बुला करके जेटी पे स्टेशन कर दिया है। लगभग 14 बोट्स ऐसी हैं जो महाराष्ट्र या गोवा की साइड में गई हैं, जिनके साथ अभी हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली वो आज शाम तक वापस आ जाएंगी। क्योंकि मामलेदार और तालुका विकास अधिकारी के साथ हमने जो अभी मीटिंग की है, और उनके साथ हमने किलोमीटर वाइज डिस्टेंस नापने के लिए बोला है विद लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, जो वल्नरेबल या हाई वल्नरेबल पॉकेट्स में आते हैं, ऐसे लगभग 50 से 60 विलेजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, और उनके सरपंच और विलेज अकाउंटेंट तलाठियों के साथ एक बैठक सारे मामलेदार और तालुका विकास अधिकारियों ने ज्वाइंटली की है, और आज शाम तक एक मीटिंग फिर से करेंगे, क्योंकि अब ये बहुत अप्रोच कर रहा है हमारी तरफ। अभी जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उस हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी तेज बारिश होगी या कितना क्या होगा, लेकिन सारे गांव और सारे डैम्स, सारे डिपार्टमेंट्स यहीं पर हैं और फुल्ली अलर्ट हैं।